हाय हम डिस्कस करें लेटेस्ट बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ए डॉट ए। इस क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट कलर्स इज टू बी स्टोर्ड इन बिट्स ऑफ ए कैरेक्टर वेरिएबल कॉल्ड कलर द बिट नंबर 0 to 6 ईच रिप्रेजेंट द कलर ऑफ ए रेनबो दैट इज बिट 0 रिप्रेजेंट वॉयलेट 1 रिप्रेजेंट इंडिगो एंड सो ऑन। मतलब कि कलर 0 से लेकर कलर 7 तक कोई नंबर से नाम है जिनको कि हर एक बिट डिनोट करती है। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर ए नंबर एंड बेस्ड ऑन दिस नंबर इट रिपोर्ट विच कलर इन द रेनबो टू द नंबर्स रिप्रेजेंट। देखिए हमें हमारे पास में एक नंबर दिया हुआ है बिट दी हुई है 7 बिट्स उनके हमारे पास में 7 कलर्स हैं। तो जैसे मान लीजिए नंबर स्विच बोर्ड हमारे पास में होता है अगर हमारे रूम के अंदर 7 लाइट्स हैं तो 7 हमारे पास में स्विच बोर्ड के ऊपर स्विच होते हैं तो जिस स्विच को हमें ऑन करना है उसी स्विच की लाइट ऑन होती है हमारे पास में जिस लाइट को ऑन करना है उसी का स्विच हम प्रेस करते हैं। तो उसी तरीके से बोल रहे कि हमारे पास में स्विच नंबर 0 से लेकर 7 तक है अगर मैंने स्विच नंबर 1 प्रेस करा तो 1 के अंदर जो कलर था उसका नाम प्रिंट होना चाहिए 2 प्रिंट करा तो 2 का नाम होना चाहिए। लेकिन अब इसमें कंडीशन हमारे पास में ये है कि जो डेटा स्टोर्ड है हमारे पास वो बिट्स के अंदर है बिट्स मतलब कि 1 बाइट के अंदर है या फिर जो जितना मेमोरी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए लेती है उतना ही हमारे पास मेमोरी इसके अंदर कंज्यूम करनी है। तो उस लेवल पे क्या होगा कि बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा तो बिट हमारे 0 से लेकर 7 तक जाना है। बिट्स की नंबरिंग हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है ना कि लेफ्ट टू राइट तो जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर कैलकुलेट करें। तो ह्यूमन बींग तो क्या समझेगा 0 से लेकर 7 तक लेकिन उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर हमें इसके ऊपर इंप्लीमेंट करके चेक करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलते हैं प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले न्यू फाइल बनाते हैं फाइल सेव कर देते हैं CH21 underscore A dot C तो क्वेश्चन ए का ए है हमारे पास में ऑप्शन में हमारे पास में 7 कलर है तो हम क्या बोलते हैं include stdio dot h include conio dot h void main। हम इस प्रोग्राम को देखिए अगर 0 टू लेके 7 तक ही हमें प्रिंट करवाना होगा तो हम नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल लेकर के भी इसको शो कर सकते हैं लेकिन हम बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमें बिट लेवल के ऊपर ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसके ऊपर काम करना होगा। तो सबसे पहले CLR SCR क्लियर स्क्रीन ये हमने कर दिया GETCH GETCH। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया कि वेरिएबल की वैल्यू को हम स्टोर करवा रहे हैं इंट आई जो कि हमें इंडेक्स बताएगा कि किस इंडेक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है तो इसकी वैल्यू को हम इनपुट करवाएंगे प्रिंटफ। हम यहाँ पे इंटीजर क्यों ले रहे हैं क्योंकि हम यूजर से डेटा इनपुट हम इंटीजर टाइप में ले सकते हो किसके अंदर लेंगे कैरेक्टर में लेंगे इंटीजर के अंदर लेंगे तो बिट कौन से नंबर की बिट है तो वो हम इसके अंदर बिट वाइज नंबर ऑर्डर जब प्रिंट करवाएंगे जब भी हमें पता लगेगा एंटर नंबर ऑफ कलर। ठीक है ये नंबर ऑफ कलर आ जाएगा इसके ऊपर हमने स्कैन अप करा इसको परसेंट डी और ये आ गया किसके ऊपर एड्रेस ऑफ आई इसके ऊपर नंबर हमारे पास में आ गया किस नंबर के ऊपर हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो वैल्यू आ रही है उसको लेफ्ट शिफ्ट करवा देंगे जो भी हमारे नंबर की एंट्री करवानी होगी उससे उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। कैसे देखिए हम पहले तो आ गया कि पहले तो हमने नंबर ले लिया उसके बाद कंट्रोल एफ नाइन करते हैं एंटर जैसे मान लीजिए कि हमने 3 नंबर डाला हो उसके बाद हमने एंटर प्रेस करा उसके बाद हम क्या करना होगा कि थर्ड नंबर की स्विच के ऊपर क्लिक होना चाहिए तो थर्ड नंबर का स्विच क्लिक करना होगा। जैसे देखिए प्रिंट एफ हमने करा यहां हमने बोल दिया परसेंट डी कैसे 1 left shift 3 जब आपने थर्ड नंबर का स्विच प्रेस करा तो देखिए उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में ये जैसे हमने 3 प्रेस करा उसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास में 3। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के लिए हमारे पास में कोई ना कोई वैल्यू है तो जैसे कि स्विच नंबर 3 इक्वल टू ये आ गया तो उसी तरीके से हम नंबर्स यहाँ पे
कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट इंसर्ट। जैसे अगर आपने केवल फर्स्ट वाला स्विच प्रेस करा तो क्या होगा, वन प्रेस करा तो क्या हुआ, टू प्रेस करा तो क्या हुआ, थ्री प्रेस करा तो क्या हुआ, फोर प्रेस करा तो क्या हुआ, फाइव प्रेस करा तो क्या हुआ, आपने सिक्स प्रेस करा तो क्या हो गया, और ये आ गया हमारे पास में सेवन। ठीक है, ये हम केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कौन से नंबर का स्विच प्रेस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्विच केस को हैंडल किसके थ्रू करना है, क्योंकि हम इतनी बार इफ एल्स तो लगाएंगे नहीं कि कौन सा प्रेस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। टू वन, ये आ गया जीरो, ये हो गया कंट्रोल एफ नाइन, कुछ भी हमने नंबर डाल दिया। देखिए जीरो का ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर हमें इसके अंदर डालना है ताकि सबका सेपरेट हम एक बार देख लें। क्लास एन, ये आ गया हमारे पास में। देखिए जब जीरो नंबर का स्विच प्रेस करें तो हमारे पास में डेसिमल नंबर क्या स्टोर होगा, पीछे वन। जब नंबर स्विच नंबर वन प्रेस करेंगे तो आएगा टू, फिर आएगा फोर, फिर आएगा एट, फिर आएगा 16, 32, 64, 128। तो हमें स्विच केस के अंदर इन्हीं नंबर्स को हैंडल करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पास कर रहे हैं स्विच कैसे वन लेफ्ट शिफ्ट, जो भी नंबर हमारे पास में इनपुट आया है उतना हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में जो वैल्यू आई है ये हमने बोल दिया केस, अगर आपके पास में वन आया है तो यहां पे हमने बोल दिया प्रिंट एफ कलर वन, जो भी नाम होगा उसको प्रेस हो जाए, ये हो गया ब्रेक। तो अब इसी तरीके से हम इनको सभी कलर्स के साथ में हैंडल कर लेंगे। इसको कॉपी करा, शिफ्ट इंसर्ट, वन के बाद में क्या आया हमारे पास में टू, टू के बाद में क्या आया था हमारे पास में फोर, उसके बाद में आया कितना एट, क्योंकि टू की सीरीज चल रही है ये। उसके बाद में हमने करा था क्या आ गया हमारे पास में सिक्सटीन, ये करा था आया कितना 32, ये आ गया हमारे पास में 64, और ये आ गया हमारे पास में 128। ठीक है, उसके बाद में अलग कुछ आता है तो उसके ऊपर बोल देते हैं डिफॉल्ट, उसको प्रिंटअप में बोल देंगे अननोन, या फिर हमने डैश डैश लगा दिया। अब इसके ऊपर हम बोल देते हैं कलर नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब देखिए हमने स्विच तो एंटर तो करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक के नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे स्विच केस के अंदर चॉइस कौन सी डाली, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद में पहले तो हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी को जब हम इसके अंदर कॉल कर रहे हैं तो ये अपने आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमारी स्विच केस के अकॉर्डिंग जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एफ नाइन करा मैंने, एरर नंबर आगे वन, स्टेटमेंट मिसिंग, एंटर नंबर ऑफ कलर। अब जैसे मैंने मान लिया फाइव नंबर का कलर प्रेस करा तो देखिए आउटपुट कलर फाइव प्रिंट होकर के आ गया ना, तो जो भी कलर होगा उसका प्रिंट हमारे पास में आ चुका है। इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में हम नहीं है क्योंकि ये हमारा काम खत्म, ये हो गया। कंट्रोल एफ नाइन करा, कलर नंबर फोर डाला तो देखिये कलर नंबर फोर हमारे पास में आउटपुट में आएगा। तो जो
स्विच आप प्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा बैकएंड के अंदर काम क्या हो रहा है, बाइनरी है, नॉर्मल हम जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू कर रहे हैं उसके हम वैल्यूज निकाल दें, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाइनरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने डेसिमल वैल्यू निकाल दी और उसको हमने हैंडल कर लिया, क्योंकि हम तो काम वही करेंगे जिसको हम समझ सकते हैं। हम कंप्यूटर के तो 0101 थोड़ा ना समझेंगे, अभी यहां पर आया तो हम इसकी जगह पे 0 जैसे 2 आया तो उसकी जगह पे एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए था 0000000 ये 5 times 0 हो गया, 6 times 0 1 and 0 इसकी वैल्यू होती है 2। तो ये हम थोड़ा याद रखेंगे कितने बार, अगर हम 16 डिजिट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा, तो हम तो जो हम नॉर्मल याद रख सकते हैं हम तो उसी के अकॉर्डिंग इसको काम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इजी तरीके से हमारा काम हो जाए। कलर नंबर 7। ओके, थैंक यू।